हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो जी हाँ बच्चों, जो हमने आपका उस अध्याय सेकंड स्टार्ट किया है 10वीं 12वीं के अंदर जो गणित में, उसमें हमने फलन के बारे में पढ़ा है। तो मैंने आपको फलन के अंदर जो कितने टाइप के फलन होते हैं, वो हालांकि जो टॉपिक है वो 11वीं का है ना, 11वीं गणित का है, लेकिन अपन ने एक बार उनका रिवीजन किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने फलन के सभी प्रकारों को सोल्व करवाया है ना। तो टोटल 17 प्रकार के फलन होते हैं। अब फलन में अब 12वीं के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपको एक फलन दिया है इस प्रकार की एक्स वाई के साथ संबंध है ना, और एफ एक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि इसका संबंध है एक्स का किससे, वाई से, है ना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको तीन चीजें पूछेगा। वो सबसे पहले पूछेगा प्रांत, सह प्रांत और परिसर, है ना। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है ना बच्चों। तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर समझना, प्रांत तो ये जो एक्स में ये वाली वैल्यू दी है आपको, है ना, एक्स के अंदर जो ये वाली वैल्यू दी है ए बी और सी, इनको बोलते हैं अपन प्रांत। प्रांत का मतलब होता है डोमेन, है ना। तो यहाँ पर एक्स का जो प्रांत हो जाएगा, प्रांत अपने को दिया है, इसका जो डोमेन अपने को दिया है, यहाँ पर क्या क्या दिया है, प्रांत अपने को डोमेन क्या क्या दिया है, इस प्रकार दिया ए कोमा बी कोमा सी, तो इसको अपन बोलते हैं प्रांत। ये जो एक्स की वैल्यू है ये है आपकी प्रांत, है ना। फिर इसके बाद में उसने बोला है आपको सह प्रांत, तो जो सह प्रांत होता है आपका, सह प्रांत जिसको अपन बोलते हैं कोडोमेन, सह प्रांत की जो वैल्यू है बच्चों इसके अंदर, आपको जितनी भी वैल्यू इस वाई के अंदर दी है, ये वाई वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन सह प्रांत। इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत। तो सह प्रांत के अंदर आपका क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, है ना, ये वाली जो वैल्यू कहलाती है ये कहलाती है आपकी सह प्रांत। ये होती है आपकी प्रांत वाली वैल्यू ए बी सी, और ये होती है आपकी जो इधर 1, 2, 3 और 4 दिया है वाई का, जो ये आपका फलन दिया है वाई वाला, इसके साथ में ये होता है सह प्रांत होता है ना, ये क्या होता है आपका सह प्रांत होता है। अब आइए हम समझते हैं, अगला आपको दिया है परिसर। परिसर को बोलते हैं रेंज, है ना, परिसर। परिसर जो होता है आपकी जो रेंज जो होती है, सीमा अपन जिसको अपन बोल सकते हैं, मतलब परिसर। तो इसकी जो इमेज जिसके साथ बनती है वो उसका परिसर, जैसे ए की जो इमेज बन रही है वन के साथ बन रही है, इसको बोलेंगे अपन इमेज। इसको क्या बोलेंगे अपन, इमेज, है ना। जैसा आप आईने में अपनी इमेज देखते हो, है ना, आपका प्रतिबिंब देखते हो, तो ए के सामने जस्ट सामने वाली वैल्यू वन है, टू के बी के सामने वाली जो है वो टू है, और सी के सामने वैल्यू क्या है, थ्री। तो रेंज इसकी परिसर क्या हो जाएगी, इसकी रेंज जो सीमा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1, 2, 3। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो आपको ये फलन दिया होगा कि एफ एक्स इस तरह का फलन है सच दैट कि एक्स और वाई के बीच में संबंध है ना। तो ये एक्स की वैल्यू दी है ए बी सी, और वाई की जो वैल्यू दी है 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले प्रांत वाली वैल्यू पूछेगा, तो प्रांत में क्या लिख दोगे आप, ए बी सी, ये तो क्या हो जाएगा प्रांत। फिर वो पूछेगा सह प्रांत कोडोमेन, तो 1, 2, 3, 4 जो है ये इसके सह प्रांत है। और फिर पूछेगा आपसे परिसर या रेंज, तो जिसके सामने वाली जो इमेज बनेगी उसके साथ में वही उसकी क्या कहलाएगी, रेंज या सीमा या परिसर इसकी कहलाएगा, है ना। तो इस टाइप का एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक फलन दिया है एफ एक्स, इस प्रकार दिया है कि इसका मान एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। तो अपन लिख देते हैं एक्स का जो मान अपने को दिया है, यहाँ पर एक्स का मान दिया है 1, 2, 3, है ना, यहाँ पर दिया है अपने को 1, 2, 3 और एक ये दिया है 4, और इसका जो वैल्यू है वाई के साथ में वो एक्स स्क्वायर है ना, वो क्या है एक्स स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, 3 का 9 और 4 चौके 16, और एक पर निकल लेते हैं 50, 25, है ना। तो आप इसका तीनों वैल्यू फाइंड करके बताइए, इसकी तीनों वैल्यू फाइंड करके बताइए। एक मिनट, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा मिटा के इसको साइड में लिख देता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ना, एक काम करते हैं अपन अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं ना, ये क्वेश्चन आपको वापस से मैं करवा देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन अगला एग्जाम्पल अपन एक करना चाहते हैं यहाँ पर,
क्वेश्चन आपको दिया है कि एक फलन है एफ एक्स, वो इस प्रकार है, उसके साथ में संबंध ये है कि एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स का अपने पास में जो वैल्यू है वो अपने को दी है 1, 2, 3 और 4, और इसका जो संबंध है वो एक्स स्क्वायर के साथ में है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 6 16 और 5 25। तो बच्चों इसकी तीनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको बताना है, कि इसका प्रांत निकालिए। सबसे पहले क्या निकालना है, प्रांत या डोमेन? तो बताइए इसका प्रांत क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन की वैल्यू बताइए। तो डोमेन हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4, है ना। ये जो इस साइड की जो वैल्यू होती है ये कहलाता है प्रांत, इसको बोलते हैं अपन डोमेन। फिर होता है सह प्रांत, फिर क्या होता है बच्चों, सह प्रांत, सह प्रांत को अपन बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी इस तरफ की जो जितनी भी वैल्यू होती है, इस साइड वाली जो वैल्यू जितनी भी होती है, जैसे यहाँ पर अपन लिख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, है ना, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये क्या हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी, कोडोमेन कहलाएगी। और फिर एक आपकी जो ये परिसर है ना, तो परिसर में आपको इमेज बनानी है इसके साथ में, रेंज में है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेंज अपन इसको बोलते हैं। तो देखो एक की जो इमेज बनी वो एक के साथ, दो की जो इमेज बनी वो चार के साथ, तीन की जो इमेज बनी वो नौ के साथ, और चार की जो इमेज बनी वो 16 के साथ। तो बच्चों इसका परिसर या इसका जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 1, 4, 9, 16, है ना, 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9 और 16, ये जिसकी इमेज जिसके साथ में बने वही उसकी क्या औसत कहलाती है, सीमाएं कहलाती है ना। तो जनरली अगर हम बेसिक लाइफ जो अपनी जो आप जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल के अंदर भी ये चलता है आपका प्रांत परिसर, ये चलता है ना साथ में से प्रांत। तो देखो मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के अंदर, जैसे मान लो आप क्लास, आप स्कूल में जाते हो और आप अभी क्लास ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हो ना, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, तो जब आप जाते हो स्कूल के अंदर तो आपके कुछ विशेष दोस्त होते हैं है ना, जिनके साथ आप सारी बातें शेयर करते हो, आपके साथ जो भी होता है दिन भर में, अच्छा होता है बुरा होता है, आपने कितनी पढ़ाई की नहीं की, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या करना है, सारी बातें आप शेयर करते हो। तो आपके एक या दो दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत पर्सनली होते हैं और उनको आप सारी चीज़ें बताते हो। तो बच्चों वो होते हैं आपके प्रांत, वो क्या होते हैं आपके प्रांत होते हैं, मतलब उनको अपन डोमेन बोल सकते हैं, जो आपके सबसे खास दोस्त है उनको अपन बोलते हैं डोमेन, है ना। और जैसे आप इस क्लास ट्वेल्थ के अंदर जब आप जाते हो स्कूल में तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मान लो आपकी क्लास में 66 बच्चे हैं ना, 66 बच्चे आपकी क्लास में। तो आप क्या करते हो कि 66 बच्चों से ही सारी बातें शेयर नहीं करते हो, लेकिन 66 बच्चों से आप हेलो हाय तो जरूर करते हो ना, मतलब सबसे बोलचाल थोड़ी बहुत तो होती है कि हाँ आज कैसा है, हेलो हाय ये आप करते हो। तो वो जो सब हो जो 66 बच्चे आपके साथ में है, इनमें से ये होती है आपकी, ये होता है आपका परिसर, इसको क्या बोलते हैं अपन, परिसर। और इन 66 में से जो एक दो आपके बहुत घनिष्ठ है जिनसे आप सारी बातें करते हो पूरी की पूरी, वो होता है आपका डोमेन या प्रांत, उसको कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गणित के साथ साथ आपकी जो रियल लाइफ उससे जोड़ने की कोशिश करी है, तो आशा करता हूँ आपको बच्चे समझ में आया होगा। और मैंने जो आपकी प्लेलिस्ट बनाई है 2024-25 की, उसमें सारे वीडियो डले हुए मैथ्स के, यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप लिंक से देख सकते हो, लिंक नहीं तोड़ना अपने को मैथ्स के अंदर बिल्कुल भी, लिंक वाइज सारे के सारे देखना है। बाकी इसके आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।